मेरे बच्चे, यदि यह संदेश तुम्हें प्राप्त हुआ है तो संदेश महादेव का तुम्हें भेजा हुआ एक संकेत है। तुम देवीय शक्ति से जुड़े हो जिसका आभास तुम्हें हर बार होता है। तुम्हें वक्त हर यह समझ आता है कि कोई देवीय शक्ति है जो हर बार तुम्हारी मदद करती है, जो हर बार तुम्हारे पीछे रहकर तुम्हारी रक्षा करते हैं। जब भी तुम मुश्किलों में पड़े हो उस देवी शक्ति ने तुम्हारी रक्षा की है। उन्हें वापसी गैंग में यह आभास हो जाता था कि तुम्हारी साथ कुछ गलत होने वाला है। तुम्हें अपने आसपास के लोगों के बारे में भी आभास होता था कि उनके जीवन में सब कुछ ठीक है या नहीं। तुम जैसे भी प्रेम करते हो उनके जीवन में कभी कोई परेशानी नहीं आने देते, क्योंकि तुम्हारा स्वभाव ही ऐसा है। तो किसी को भी दुख में नहीं दे सकते हैं। जो भी तुम्हारे पास अपना दुख लेकर आएगा उसकी सदैव मदद करोगे। यह मदद का भाव उस दिव्य शक्ति का ही कमाल है। तुम लोगों की प्रति इतने विनम्र वो देवी शक्ति दुल्हन निरंतर संकेत भेजती रहती हैं। मगर संकेतों को अनदेखा कर फिर वो मेरे बच्चे वो देवी शक्ति तुम्हें उन संकेतों के माध्यम से कुछ बताना चाहते हैं। वो देवी शक्ति अपने संदेश के जरिए के लिए रास्ता दिखाना चाहते हैं। उन्हें यह बताना चाहती हैं कि भविष्य में तुम्हारी साथ कुछ बहुत ही अनोखा होने वाला है, जिसे जानकर हैरान हो जाओगे। तुम्हें उन संकेतों को समझना होगा और इसके उपरांत ही कोई कार्य करना होगा। इस संदेश को पढ़ने वाला हर व्यक्ति बहुत ही भाग्यशाली बोर्जेस में प्रवेश करेगा। घर की तरक्की होना शुरू हो जाएगी। यह व्यक्ति अपना इच्छा शक्ति से अपने सभी रोगों के कर लेगा। हम अपनी इच्छा शक्ति से हर असंभव कार्य को भी संभव बना सकते हो। और जो कोई भी बुरी मंशा से तुम्हारे पास आता है उसे पहचान कर उसका मन कर देती हूँ। मेरे बच्चे हर वक्त उन्हें ऐसा लगता है कि कोई है जो तुम बार बार पुकार रहा है, कोई जिसकी आवाज तो हर बात सुनते हैं। कौन है जिसकी पुकार चूंकि विचलित कर देती है और तुम बेचैनी मन से उस आवाज को ने उसके पीछे चले जाते हैं। आवाज बार बार तुम्हें पुकारती है और तुमसे कुछ कहने की कोशिश करती है। तुम जब भी किसी परेशानी में रहे हैं, शाहबाज ने तुम्हें इस परेशानी से बाहर निकाला। तुम्हें सड़े वही रास्ता दिखाया है जो तुम्हारे लिए सही होता है। मेरे बच्चे, या आवाज तुम्हारी अंतर्मन से आवाज है, जो समय तुम्हारे साथ, जो सदैव मुझसे जुड़ी, जो दे तुम्हें वही मार्ग दिखाई दी जो तुम्हारे लिए से होगा। अंतर्मन की आवाज तुमसे कभी नहीं जूझना ही कहते हैं। उसे पता है कि चाहे कोई बात कितनी ही कवि हो न हो, अगर वो तुम्हें सुनना जरूरी है तो वो तुम्हें ये सत्य अवश्य बताए कि ये तुम्हारी ऐसी दोस्त हैं जो कभी भी तुम्हारा बुरा नहीं चाहेगी, तो इसे सही के मार्ग पर भेजेगी। ये तुम्हारा एक ऐसा गुण है जो तुम्हारा सहायक बनेगा। इसकी मदद से तुम अपने जीवन में उन सभी उपलब्धियों को हासिल कर पाई जिसकी तुम ही आवश्यकता होगी। रंग लोग इसे आम व्यक्ति को दिया है ताकि वो अपने जीवन के उद्देश्यों को पूरा कर सकें, जो से साथ ही खुराक कर सकते हैं। मेरे बच्चे, व तुम्हारे जीवन का बहुत ही सुनहरा वक्त है। ऐसे वक्त में तुम ईश्वर से जो भी काम न करोगे वो सभी पूरे अवश्य होंगे। ईश्वर सभी की पुकार को सुनेंगे और उसे पूरा करेंगे। तुम्हें हर वो नया मौका देंगे
जिनकी तलाश होगी तुमसे जुड़ी हुई जितने भी लो सभी की निगाहें तुम पर होगी। वे तुम्हारी प्रत्येक गतिविधियों पर नजर रखते हैं। इसीलिए ये संदेश पोस्ट को ही आत्माओं को ही प्राप्त होगा। जूरी शक्तियां इस संदेश से बहुत दूर रहें। आज तुम्हारे जीवन के सभी नकारात्मक ऊर्जाएं नष्ट हो जाएंगे कि तुम्हें अपनी तपस्या से महादेव को प्रसन्न किया है और उनका साथ अपने नहीं पाया। महाद्वीप तुम्हारी सास जीवन के हर मोड़ पर रहने और तुम्हारे लिए सही रास्तों का निर्माण करेंगे। वहां ने तुम्हारी पूजा का शुद्धिकरण कर दिया है। अब तुम्हारी ऊर्जा पवित्र हो चुके हैं। तुम्हारी साथ जो भी होगा अब अच्छा ही होगा। अब तुम्हारी साथ जो भी व्यक्ति जुड़ेगा होगा और तुम्हारी सभी पवित्र कार्यों में तुम्हारी मदद करेगा। अब तुम अपने सकारात्मक विचारों को अस्तित्व में तलाश सकोगे। तुम्हारी हो सभी सपने पूरे होना शुरू हो जाएंगे जिसकी पूरी होने के शक में तुमने अपने मन में सजा रखी थी। इन सभी सपनों के प्रति तुम अपना पहला कदम रखा है और उन्हें साकार रूप में देखोगे। में एक अलौकिक शक्ति है मेरे बच्चे, तुम अपनी अलौकिक ऊर्जा से सभी पवित्र आत्माओं को अपनी ओर आकर्षित करते हो और यही पवित्र हो जाए उन्हें भारत के आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं और तुम्हारी जटिल रास्तों को आसान बनाती हैं। अपनी इच्छा शक्ति से अपनी ओर से सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करते हैं। उसी प्रकार अपने अलौकिक शक्तियों से इस संदेश को अपनी ओर आकर्षित किया है और ये संदेश तुम्हारा उद्धार अवश्य करें। तुम्हारी शक्तियां इतनी बड़ी जाए कि टीम अपने आसपास होने वाले सभी सकारात्मक बदलाव को महसूस करने लगोगे और उनकी पवित्र ऊर्जाओं से जुड़ने लगोगे। आपकी बड़ी शक्तियों के ताप से कोई भी नकारात्मक शक्ति आपके पास नहीं आएगी और सकारात्मक शक्ति आपके अधीन रहे हो गया। जब भी तुम्हें अपने आसपास घंटियों की आवाज सुनाई दे तब तुम ये समझ जाना ही मैं महादेव तुम्हारे आसपास ही और मैं तुम्हें तुम्हारे उज्जवल भविष्य के लिए आशीर्वाद प्रदान कर रहा हूँ ताकि तुम उन सभी लोगों के लिए रास्ता बना सकें जिन्हें इनकी सबसे ज्यादा आवश्यकता है। तुम्हारा जन्म इस पर कुछ खास कारणों की वजह से हुआ है मेरे बच्चे। तुम इस जन्म में सभी बुराइयों का नाश करोगे और अच्छाई को स्थापित कर उठे सभी लोगों के लिए मसीहा बन गया। जो अपनी मदद स्वयं नहीं कर पाते मेरा ही जुड़ा हिस्सा हूँ मेरे बच्चे। किसी तुम्हें अपने जीवन में कब क्या करना है इसका आभास तुम्हें पहले से ही हो जाएगा मेरे बच्चे। जीवन में का बच्चा समय आने वाला और का बुरा इसका आभास तुम्हें पहले ही हो जाता है। दोनों ही अपने जीवन में कब कौन सा कदम रखना है इसका आभास तुम्हें पहले रहे हो जाएगा और तुम अपनी संक्रामकता से सभी अशुद्धियों को दूर कर दोगे। महादेश सदैव तुम्हारे साथ हैं। तुम्हारा कल्याण हो मेरे बच्चे। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। महादेश के संदेशों से जुड़े रहने के लिए इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। आपका दिन मंगलमय हो मेरे बच्चे। यदि तुम्हें संदेश तक तुम्हें गए हो तो ये संदेश तुम्हारे लिए ही है। इस संदेश का तुम्हें प्राप्त होना कोई इत्तेफाक नहीं है। ये संदेश स्टोन तक किसी कारणवश पहुंचा है। इस संदेश के माध्यम से मैं तुम्हें कुछ जरूरी बातें बताना चाहता हूं, जो तुम्हारे लिए जानना बहुत ही आवश्यक है। ये संदेश तुम्हारे प्रेमी के बारे में है। तुम्हारा प्रेमी किसी परिस्थिति में बहुत बुरी तरह से फंस गया है। वो बार बार तुम्हें पुकार रहा है ताकि तुम उसकी कुछ मदद कर सकें।
वो सिर्फ तुम पर ही भरोसा कर सकता है और इसलिए तुम्हें ये संदेश प्राप्त हुआ है और इसलिए तुम्हारा इस संदेश को सुनना बहुत ही आवश्यक है। मेरे बच्चे, यदि तुम अपने प्रेमी की मदद करना चाहते हो तो 1111 टाइप करें। यदि आप उसे हर रोज याद करते हैं तो 2222 टाइप करें। यदि तुम भी हर हाल में अपने प्रेमी को सहायता करना चाहते हो तो टाइप करो। यदि तुम भी अपने प्रेमी से सच्चा प्रेम करते हो तो मेरा प्रेम सच्चा है, टाइप करें। इस संदेश को अंत तक अवश्य देखो और जानो कि तुम्हारा प्रेमी क्यों इतना व्याकुल है। मेरे बच्चे, कल रात तुम्हारे प्रेमी के साथ एक विचित्र घटना घटी थी। उस घटना ने उसे बहुत ही परेशान कर दिया है, सोचकर परेशान हो गया है कि अब तुम दोनों के बीच एक ऐसा व्यक्ति आ गया है जिसके कारण तुम्हारे प्रेमी ने तुम्हें अनदेखा करना शुरू कर दिया है, न चाहते हुए भी तुमसे दूरी बना ली है और मगर वो वापस आने का सोचता है, तब भी उसे ही लग रहा है कि कहीं बहुत देर तो नहीं हो गई है। वो ये समझ चुका है कि प्रेम के विषय में वो कितना अभागा है जो उसे सही और गलत की पहचान नहीं है। मेरे बच्चे, हो यह मानता है कि उस तीसरे व्यक्ति के स्वरूप में वो इतना मोहित हो गया है कि उसने तुम्हारी सभी अच्छाइयों को नजरअंदाज कर दिया और अब वो अपना सारा वक्त, अपना सारा ध्यान उस पर लुटा रहा है। इतने दिनों से उसे इस बात का बोध नहीं था, परंतु कल रात उसे इस बात का एहसास हुआ कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई है। वो किसी ऐसे व्यक्ति के चक्कर में पड़ गया था जिसने सिर्फ उसका इस्तेमाल किया और अगर अभी भी वो उसके चंगुल से बाहर नहीं निकला तो है उसे इसी तरह इस्तेमाल करते रहे। परंतु कल रात उसे इस बात का एहसास हुआ कि तुम ऐसे बिल्कुल भी नहीं थे। तुमने उसे सदैव सच्चा प्यार किया, हमेशा उसकी देखभाल की, हमेशा उसे सही गलत का फर्क बताया और उसकी आर्थिक स्थिति को भी और बेहतरीन बनाने में उसकी मदद की और उसने तुम्हारे साथ ही धोखा कर दिया। तो उसने किसी और की बातों में आकर उसने तुमसे नाता तोड़ लिया तो उन्हें बहुत बुरा भला कहा और हजारों बार तुम्हारा दिल दुखाया। किसी और के मुंह में वो इतना अंधा हो गया कि उसने तुम्हारे खुशी की भी परवाह नहीं की। अब उसे यह बात समझ आई है कि यह उसके कर्मों का ही फल है जो उसके साथ भी इतना बड़ा धोखा हुआ है। अब उसे इस बात का एहसास हुआ है कि अगर किसी दूसरे के साथ धोखा करते हैं तो स्वयं खुद को भी धोखा ही प्राप्त होता है। अब उसे यह बात समझ आई है कि जितना दुख उसने तुम्हें दिया था आज उसे भी उतना दुख प्राप्त हुआ है। वो अपने कमी की तुमसे माफी मांग रहा है। वो ये तो नहीं जानता कि तुम उसे माफ करोगे या नहीं, परंतु तुमसे माफी मांगकर वो अपने कुछ पाप कर्म करना चाहता है। वो तुमसे मदद की गुहार लगा रहा है। वो ये बात जानता है कि अपने वर्तमान स्थिति में वह बुरी तरह से फंस चुका है और वो ये चाहता है कि तुम उसकी मदद करो ताकि वो इस विकट परिस्थिति से बाहर निकल सके। इसलिए वो तुम्हारी तरफ उम्मीद को नजरों से देख रहा है। मेरे बच्चे, तुम्हारा प्रेमी अपने कर्मों पर बहुत शर्मिंदा है। रात उसे यह एहसास हुआ कि अगर वो तुम्हारी बातों को सही से सुन लेता तो उसे इतना नुकसान नहीं सहना पड़ता। उसने किसी और
के लिए तुम दोनों के प्यारे से नीचे रिश्ते को खंडवा बना दिया। उसे अपनी भूल का एहसास है और वो यह चाहता है कि यदि तुम उसे एक और मौका दो तो वो फिर से तुम्हारे साथ एक नई शुरुआत करना चाहता है। वो तुम्हें यह आश्वासन दे रहा है कि वह अपनी उस भूल को फिर कभी नहीं दोहराएगा। वो तुम्हें सड़े प्यार करेगा और तुम्हारी सभी बातों को मानेगा। उसका आप जितना भी अहंकार था वो सभी नष्ट हो गया है। मेरे बच्चे, गंभीर परिस्थिति में वो सिर्फ तुम पर विश्वास कर सकता है। मेरे बच्चे, इसलिए वो सिर्फ तुम्हें पुकार रहा है क्योंकि वह ये बात जानता है कि तुम्हारा मन इतना साफ है और चाहे कुछ भी हो जाए तुम कभी भी उसे धोखा नहीं दोगे। वह भावनात्मक रूप से पूरी तरह से टूट चुका है और वो सिर्फ तुम पर ही भरोसा कर पा रहा है। वो ही सोच सोच कर बहुत दुखी हो रहा है कि उसने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है और वो सिर्फ तुम्हारा अपराधी है, इसलिए वो तुम्हें पुकार रहा है ताकि तुम उसे इस ग्लानी से बाहर निकाल को। यदि तुम उसको मदद करना चाहते हो तो यह टाइप करो, यदि तुम भी उससे प्रेम करते हो तो मैं भी तुमसे प्रेम करती। टाइप करें और अपने प्रेमी को अपने पास वापस ले आए। आपका कल्याण होगा।